दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल न्यू स्पेशल हिंदी सॉन्ग के साथ स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं। बिल्कुल न्यू डीजे सॉन्ग है, आप किस तरीके से अपने फोटो को लगाकर ऐसा वीडियो एडिटिंग करेंगे जो कि अभी आपने देखा, मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूं। और आज से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको इसी तरीके से इससे अच्छे अच्छे वीडियोस स्टेटस वीडियो एडिट करना आपको इस चैनल पर मैं सिखाऊं। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए यार टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है और चैनल पर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, और अगर आपके पास दिमाग में कोई ऐसा कोई गाना है, नया हिंदी सॉन्ग है, तो मुझे आप भेज सकते हैं। अगर वो मिक्सिंग नहीं भी होगा तो मैं उसको मिक्सिंग करके इस तरह का वीडियो बना दूंगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नाम है ASR7773। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फोटो मैंने यूज किए ना इस वीडियो को एडिट करने के लिए, वो सारे फोटो आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी ऑल मटेरियल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके सभी लिंक सभी मटेरियल को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। बीटमार्क सेक इफेक्ट XML बीटमार्क XML और फॉन्ट जो कुछ भी मैंने यूज किया सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन को, और अलाइट मोशन एप्लीकेशन का जो लिंक है यानी पूरा एप्लीकेशन है वो टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का पेज है, प्रोजेक्ट पर क्लिक ना, ये दोनों प्रोजेक्ट आपको दे दूंगा, दोनों को आपको इंपोर्ट कर लेना है। XML भी दे दूंगा, नॉर्मल भी दे दूंगा। आपको बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने कंप्लीट ओपन हो जाएगा। वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे कंप्लीट तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ यार कंप्लीट ज़रूर से देखना। यहाँ पर जितने भी लेयर बन रहे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी लेयर को इस तरीके से चालू कर देना, सभी लेयर इस तरीके से ऑन हो जाएगी। आपको किसी भी लेयर को बंद नहीं रखना, सभी लेयर को ऑन कर देना, तो जितने भी लेयर्स है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में मैं कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाली इफेक्ट मिलेगी व्हाइट वाली, इस पर क्लिक करना है। आपको बीच में यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर बीच में क्लिक करके कॉपी लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस वाली बीट पे आना है, बीच में वापस क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पेस्ट हो जाएगी लेकिन ऊपर चली जाएगी। इसको दबा कर रखेंगे, इसको आप यहाँ पर नीचे ले लेंगे, इसी लेयर के सामने जस्ट ऊपर ले लेंगे, और इस वाली बीट पे आएंगे, इस पर क्लिक करना है। साइज़ थोड़ी कम है तो आपको स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। वापस बीच में क्लिक करके पेस्ट लेयर पर क्लिक करना है, ऊपर जाएंगे, इसको दबा कर रखेंगे, इसको आप नीचे ले लेंगे, इस तरीके से इसी के जस्ट ऊपर ले लेंगे। आप इस वाली बीट पे आएंगे, इस पर क्लिक करना है, थोड़ी साइज़ ज़्यादा है तो आपको स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, साइज़ बराबर हो जाएगी। वापस बीच में क्लिक करना है, पेस्ट लेयर पे क्लिक करना है, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इस वाली बीट पे आएंगे, इस पर क्लिक करना है, स्पीड के ऑप्शन से इसकी साइज़ को पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद दबा कर रखेंगे और इसको भी हम नीचे ले लेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर टोटल चारों लेयर इस तरीके से ऐड कर दी, आपको भी ऐड कर देनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग लेयर है, इस तरीके से चार लेयर हमने ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो ऐड कर लेना है, कोई भी साइज़ का फ़ोटो होगा चलेगा। ये जितने भी फ़ोटो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं, जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। जितना भी डेटा है अब कंटिन्यू आज से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको किसी भी एक फोटो को लेना है, उसके बाद आपको ब्लैंक पे क्लिक करके सिर्फ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इस वाले फोटो की साइज़ को आपको यहाँ तक रखना है, ठीक है, 10x14 तक रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है तो फोटो की साइज़ वहाँ तक हो जाएगी। और इस वाले फोटो के सामने दबा कर रखेंगे, इसको सबसे नीचे ले लेंगे, यहाँ पर ये दो लेयर है ना, इन दोनों लेयर के सबसे म्यूज़िक के ऊपर ले लेंगे, इस तरीके से फोटो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है, और ये हमने जो नीचे फोटो ऐड किया ना इस पर एक इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको आगे आना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, लास्ट में जाएंगे, ये आपको बैकग्राउंड मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है रेक्टेंगल पर, इफेक्ट पर क्लिक करना, लाइन पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे वाले फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना, आपको पेस्ट करना है, ओके। और एक आपको यहाँ पर आ जाना है, एक यहाँ पर आ जाएंगे आप बराबर 8 सेकंड पर, प्लस क्लिक करना और एक रेक्टेंगल ले लेना है, लाइन पे क्लिक करके से फेल कंपोजिशन एरिया करेंगे, और यहाँ पर आपको कलर पे क्लिक करके ब्लैक कलर लेना है। और अब आपको इस रेक्टेंगल की साइज इस वाली बीट तक रखनी होगी, इस यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है, आपको इफेक्ट पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओपेसिटी एंड वेलिबिलिटी पर क्लिक करना है, ब्लिंक इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, और फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ पर बढ़ा देंगे
5.060 इस तरीके से वो जो इफेक्ट है वो आ जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो हम फोटो ऐड यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हमें चार फोटो ऐड करना होगा इन चारों व्हाइट लेयर में। इनकी साइज आपको 9x16 रखनी है, एक यहाँ पर भी ऐड करना होगा, मतलब आपको कम से कम चार पांच फोटो की जरूरत पड़ेगी जिनकी साइज 9x16 होनी चाहिए। आपको आगे आना है, बीच में प्लस पे क्लिक करना है, 9x16 की साइज से लेकर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, साइड में टैप करना है, ऊपर आपको सेटिंग के पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम एस पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो आपका फोटो गैलरी में सेव हो चुका है 9x16 साइज में। इस तरीके से 6-7 फोटो को सेव कर लेना है, उसके बाद आपको बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब हमारे जो व्हाइट लेयर है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कलर एंड फील पर क्लिक करना है, स्टार पर क्लिक करना है, ऊपर फोल्डर पर क्लिक करके अलाइट मोशन के फोल्डर में जाएंगे, 9x16 साइज के फोटो पर क्लिक करना है, प्लस प्लस पर क्लिक करना है, फोटो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब वापस सेकंड दूसरे लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फील पर क्लिक, स्टार पर क्लिक करना, दूसरा फोटो लेंगे और आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद तीसरे लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फील पर क्लिक, स्टार पर क्लिक करना, तीसरा फोटो लेंगे, प्लस पर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद चौथे लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फील पर क्लिक, स्टार पर क्लिक करना, चौथा फोटो लेंगे, प्लस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखिए टोटल हमने यहाँ पर चार फोटो को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गजब लग रहा है। अब हमारी जो लर्क है इस पे आपको एक जो हिंदी फॉन्ट है, सॉरी मतलब इंग्लिश फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो लास्ट की जो आपको लर्क्स मिलेगी ये वाले, इस पे क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, सभी इफेक्ट को ऑन करेंगे इस तरीके से, उसके बाद क्लाइन पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे, तो इस तरीके से जो इफेक्ट है वो आ जाएगी। और बाकी जितने भी हमने यहाँ पर इफेक्ट जो है सॉरी जो लर्क्स पेस्ट कर रहे हैं, आपको उन सभी लर्क्स पर स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है, तो सभी जो लर्क्स है उस पर इस तरीके से आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, ग्लो इफेक्ट भी लग जाएगा और जो इफेक्ट है वो भी हमारी लर्क्स पर पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इन सभी लर्क्स पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जो इफेक्ट है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, एक एक क्लिक करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये सारा काम तो यहाँ पर कंप्लीट है, अब आपको इसमें फोटो चेंज करना होगा, बाद में बताएंगे, और सबसे पहले हम फोटो ऐड कर लेते हैं और उन पे हम इफेक्ट डाल देते हैं, बाद में सारा कुछ कंप्लीट बता दूंगा। 11 चॉइस पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपको उस वाले फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में फोटो है, उसके बाद आपको फोटो पर यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ, फोटो पे क्लिक करना है, लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगली वाली बीट पे आएंगे ज़्यादा फोटो बढ़ाएंगे, वापस फोटो पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, सेकंड फोटो को लेंगे, लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, सेकंड जो अगली वाली बीट पे आएंगे यहाँ से आप ज़्यादा फोटो बढ़ाएंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे जाएंगे, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके अगली वाली बीट पे जाएंगे, ज़्यादा फोटो बढ़ा देंगे। इस तरीके से जो हमने तीन फोटो ऐड किया ना, इसी तरीके से आपको बाकी सभी फोटो को ऐड करना है, आपको क्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटो को ऐड कर लेना 18-11 तक, ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ। सो फाइनली हमने यहाँ तक ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर इसको खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर एक इफेक्ट पेस्ट करनी होगी तो आपको आगे आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, यहाँ पर ये दो रेक्टेंगल ऊपर है, इन दोनों लेयर को ऑन करना और ये जो दोनों इन दोनों को सेलेक्ट करना, एक तो ये एक ये दोनों को सेलेक्ट करना, बीच में क्लिक करके कॉपी टू लेयर करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आप बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाएंगे 18-11 पर, बीच में क्लिक करके पेस्ट टू लेयर पर क्लिक करना है, इसमें आप फोटो बाद में चेंज करके, अब आपको आ जाना है 19-20 पर, यहाँ से लेकर लास्ट तक उसी तरीके से फोटो ऐड करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था, तो आप उसी तरीके से वापस यहाँ पर फोटो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से फोटो जो है वो पेस्ट करके आपको दिखा दूँ, तो इसी तरीके से आपको यहाँ से लेकर लास्ट तक यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप फोटो को पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक एक बार और मैं यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब हमने यहाँ पर टोटल फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, आपको इस तरीके से सभी फोटो को ऐड कर देना है जिनके साथ आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आपको अपना फोटो भी इसी तरीके से अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसमें फ़ोटो ऐड करेंगे तो सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पर जूम कर लीजिएगा, सबसे नीचे जो लेयर है वाइट वाली इस पर क्लिक करना, कलर एंड फील पर क्लिक करना और आपको स्टार पर क्लिक करना, इसमें भी आप 9x16 साइज़ का फोटो लेंगे इसके लिए ऊपर आपको फोल्डर पर अलाइट मोशन जाते हैं, ये रहा फोटो 9x16 साइज का, प्लस पर क्लिक करना है, फोटो ऐड हो जाएगा। अब आपको ऊपर जो ग्रुप है इस ग्रुप पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है, नीचे वाइट लेयर पर क्लिक करना, कलर एंड फील पर क्लिक, स्टार पर क्लिक करना, वही फोटो लेंगे प्लस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से वापस आगे आ जाएंगे, वापस वहीं जाएंगे जहाँ पर हमारी इफेक्ट थी, तो कहाँ पर थी हमारी, ये रही इफेक्ट, और नीचे जाते हैं सॉरी ऊपर। अब यहाँ पर जो इस ग्रुप के नीचे जो इमेज है इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है,
अब नीचे व्हाइट लेयर पर क्लिक ना, कलर एंड फिल पर क्लिक ना, स्टार्ट पर क्लिक ना, उसी फोटो को लेंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे। अगर फोटो कटता है तो आप मोड एंड ट्रांसफर फोटो को इस तरह से सही सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आगे आ जाएंगे तो देखिए हमारा फोटो यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो व्हाइट लेयर पर क्लिक ना, कलर एंड फिल पर क्लिक, स्टार्ट पर क्लिक ना, इसमें भी आप कोई भी फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे, फोटो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, पूरा कंप्लीट काम। अब बाकी हमारे फोटो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ से आगे आ जाना है और सेक इफेक्ट के प्रोजर को ओपन कर लेना है। नीचे आपको तीन वाइट लेयर मिलेगी, फर्स्ट वाली वाइट लेयर पर क्लिक ना, इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, उसके बाद बाहर आके बीट के प्रोजर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारे फोटो आ रहे हैं, इस तरीके से जूम कर लेंगे, फर्स्ट के फोटो पर आप क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट करना है, उसके बाद आपको सेकंड फोटो को छोड़ देना है, थर्ड फोटो पे वापस से क्लिक करके इसी इफेक्ट को डालेंगे, वापस फोर वाले फोटो को छोड़ेंगे, पांचवें फोटो पर वापस आपको सेम इफेक्ट को डालना है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी फोटो आने वाले हैं 18-11 तक, इन आपको एक फोटो पर इफेक्ट को डालना है, सेकंड फोटो को छोड़ देना है, इस तरीके से आपको एक फोटो पर डालना है, दूसरे फोटो को छोड़ देना है। तो यहाँ तक हमने इसको छोड़ देना है, इस पर डाल देना है। ओके, अब आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, सेकंड जो इफेक्ट है इस पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिक करके आप उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। अब वहीं पर वापस से आ जाएंगे, अब हमने जो एक एक फ़ोटो छोड़ दिए थे ना, उन सभी फ़ोटो पर अब आपको यही वाली जो इफेक्ट है आपको पेस्ट करनी है उन सभी फ़ोटो पर। तो इस पर पहले डाल दिए थे, इस पर हमने अभी पेस्ट कर दिया, इसलिए जो भी हमने एक एक फ़ोटो छोड़ दिए थे उन सभी फ़ोटो पर आपको यहाँ तक इफेक्ट डाल देनी है। उसके बाद आगे आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। अब आपको लास्ट का मिलेगा ये वाला इफेक्ट, इस पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके आप उसको कॉपी करेंगे, बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, सिंपल से 19 यहाँ पर आ जाएंगे, 19:20 पर जूम कर लेंगे और फर्स्ट के फोटो पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिकना, पेस्ट करेंगे, सेकंड फोटो पर क्लिकना है, इफेक्ट पर क्लिकना, पेस्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से लेकर जो लास्ट तक सभी फोटो है ना, इन सभी फोटो पर आपको यही वाली जो इफेक्ट है आपको पेस्ट कर देनी है, यहाँ से लास्ट तक सभी फोटो पर। पेस्ट करने के बाद आपका पूरा वीडियो यहाँ पर बन चुका है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के पास के ऑप्शन पर क्लिकना है, वीडियो को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिकना है। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो